Finally guys, आप लोग लिए लेके आ चुका हूँ जावा की तरफ से आने वाला जावा बॉबर 42। और इस वीडियो में इस गाड़ी का कंप्लीट डिटेल की बात करेंगे, इसका फीचर क्या है, माइलेज क्या है, प्राइस क्या है। सबसे अच्छी बात है, आप KGF में जो भाई मूवी में जो गाड़ी दिखा रहा था, कहीं ना कहीं इसके हैंडलिंग और सारी चीजें, सिटिंग पोस्चर, सब कुछ आपको सेम देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में बात करेंगे जावा बॉबर 42 का कंप्लीट लुक का, प्राइस क्या, और भाई सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, इसका प्राइस काफ़ी नॉमिनल है और ये है 350 cc का बाइक। तो भाई देख सकते हो लुक के मामले में, भाई कोई भी बाइक लाके खड़ी कर दो 350 cc में, आपको पता चलेगा कि कौन बेहतर है सामने से ही। तो स्टार्ट करते हैं सब कुछ आपको फ्रंट प्रोफाइल से, उससे पहले मैं दिखाऊं इसका, भाई ये देख सकते हो यहाँ पे भी बॉबर देखने को मिल जाएगा 42, बाकी LED लाइट देखने को मिलेगा यहाँ पे, और फुल रिंग जो है आपको क्रोम की फिनिश के साथ, बाकी यहाँ पे अपना नंबर प्लेट इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। काफ़ी स्मार्ट लुक के साथ आते हैं ये दोनों इंडिकेटर, और ये आपको मैं दिखाऊँ इसका हजार लाइट ऑन करके, तो ये देख सकते हो भाई इतने कम प्राइस में। अगर बात करूँ प्राइस की, भाई 2,57,000 रुपये में आपको मिल जाएगा ऑन रोड खैराबाद लखनऊ में, खैराबाद उत्तर प्रदेश में, सॉरी भाई लखनऊ नहीं उत्तर प्रदेश में। तो आप जो भी है UP के सेम प्राइस मिल जाएगा। बाकी ये आपका टेलीस्कोपिक फोर्क मिल जाएगा 35 mm पे, अगर आप इसकी कहीं पे गड्ढे गुड्ढे में लेके जाओगे तो काफ़ी बढ़िया सा इसको मिनिमाइज कर देगा इसको। ये आपको मेटल फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगी, ये अपना ग्लॉसी ब्लैक नहीं मैट ब्लैक के फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगा। बाकी सीट का टायर मिलेगा ट्यूबलेस, और टायर प्रोफाइल की बात करोगे भाई, टायर इसमें देखने को मिलेगा फ्रंट में 190/18 inch के व्हील मिल जाएंगे जो कि आप देख सकते हैं। बाकी डिस्क की बात करोगे 280 mm का डिस्क मिल जाएगा डुअल चेन एबीएस के साथ, फ्रंट ओरियन बाइबर का कैलिपर, और ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो सिटिंग वाइज कंफर्ट वाइज काफ़ी बेहतरीन होने वाला। बाकी यहाँ पे लिक्विड कूल इंजन के साथ देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको रेडिएटर दिया गया है और यहाँ पे रिफ्लेक्टर दोनों साइड से दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे कूलेंट डालने के लिए दिया गया। अगर मैं बात करूँ ये सिंगल सिलेंडर है 4 स्ट्रोक, बाकी की कुछ इस तरीके से इसका देखने को मिलता है जो कि काफ़ी स्मार्ट है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे लगाने को मिलेगा, यहाँ पे आप लगा पाओगे ये देख सकते हो। बाकी इसका मैं दिखाऊँ इंजन, इंजन पावर की बात करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लुक देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन है। बाकी टैंक पैड टैंक गार्ड देखने को मिल जाएगा इस प्राइस में, भाई टैंक गार्ड कौन देता है, लेकिन भाई जावा दे रहा है, ऐसी यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है इस कंपनी के द्वारा। बाकी वाइट डुअल टोन का जो ये कलर है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जावा का, जावा मोटरसाइकिल। बाकी टैंक कैपेसिटी की बात करोगे 12.5 लीटर 12.5 लीटर का टैंक मिल जाएगा। माइलेज की बात करोगे 30 से 35 इसका माइलेज देखने को मिलेगा, और लुक वाइज भाई क्या ही खतरनाक लग रहा है। और यहाँ से बात करूँ ये देख सकते हो पीछे भाई, ये देखो भाई इंजन की बात करोगे 334 cc का इंजन देखने को मिल जाएगा, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल DOHC का इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे पावर मिलेगा 29.92 PSK पावर, टॉर्क की बात करो 32.74 Nm का टॉर्क मिलेगा, और भाई ये आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ देखने को मिलेगा। तो भाई काफ़ी बेहतरीन चीज़ें दी गई हैं। बाकी ब्रेकिंग की बात करोगे, ब्रेकिंग कुछ इस तरीके से भाई डुअल चेन ABS है, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है कितना भी भगाओ। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें और है भाई, ये ट्विन एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो एक एग्जॉस्ट इस साइड में, एक एग्जॉस्ट आपको इस साइड में देखने को मिला। बुला लो भाई रॉयल इनफील्ड वालों को, दिखा दो यहाँ पे कि कौन बेहतर है और कितनी लुक में कितनी शानदार है, और इतनी प्राइस पॉइंट में दिखाओ कौन है बेहतर। बाकी ये अपना फर्स्ट सीट मिल जाएगा इसका, सीटिंग आप अगर लगवाना चाहते हैं पीछे का एक सीट और लग जाएगा, उसका अलग से चार्ज देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ से आपको एक सीट और लग जाएगा, ये आप देख सकते हैं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आपको थोड़ा सा चार्ज देना पड़ेगा, आई थिंक 10 या 12 हज़ार है और एक्सरसाइज के लिए। बाकी रियर की बात करो 140/70/17 inch के व्हील मिलेंगे रियर में, तो रियर में भी आपको काफ़ी वाइड टायर मिलेगा, और यहाँ पे आपको डिस्क की बात करो 240 mm का रियर का डिस्क मिल जाएगा जो कि कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाए। सारी चीज़ें आपको मेटल टाइप वाली आपको लोहा भरी हुई देखने, बाकी टेल लाइट कुछ इस तरीके से, इंडिकेटर कुछ इस तरीके से, नंबर प्लेट रिफ्लेक्टर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक बार क्या करता हूँ भाई, यहाँ से इसको ऑन कर दिया, आप लाइट देखो कैसी जलती हुई दिखती है, काफ़ी बेहतरीन लाइट दिखती है भाई। सब कुछ आपको इस प्राइस पॉइंट में कोई बाइक देने वाला नहीं है, ऐसी चीज़ें जावा दे रही है, और जावा भी मार्केट को खाने वाला है, जो ये सारी चुटपुटी है ना इनको खाने वाला है भाई। अभी दिखाता है इसका हैंडल और सारी फीचर। बाकी मिरर की बात करोगे, मिरर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ, काफ़ी इंटरेस्टिंग। बाकी USB चार्जिंग भी इसमें देखने को मिलेगा, ये अपना राउंड सर्कल डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे टाइमिंग गियर
और RPM, न्यूट्रल, टर्न इंडिकेशन, ABS सारे फीचर देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो, आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। USB चार्जिंग, टाइप सी चार्जिंग दोनों मिल जाएगा। तो इस प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलता है इतनी सारी फीचर, और यहाँ पे इंडिकेटर का सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पे। और यहाँ से आपको पास की लाइट मिल जाएगी, बाकी यहाँ पे आपको इंजन की स्विच मिल जाएगा, बाकी ये सेल्फ का बटन देखने को मिल जाएगा, हजार्ड का बटन देखने को मिल जाएगा, मिरर कुछ इस तरीके से। बाकी बात करें इसकी सीट हाइट की, 740 mm का सीट हाइट है। तो भाई छोटे हाइट हैं तो भी आप चला सकते हैं, बस हाँ थोड़ी बॉडी में थोड़ा दम होना चाहिए भाई, नहीं तो भाई एक बार गिर गई तो फिर ये उठेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर बात करें इसकी टॉप स्पीड की, तो भाई 130 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से इसका टॉप स्पीड है। बाकी अगर बात करूँ 0 से 100 इसको जाने में कितना सेकेंड लग जाएगा, तो 10.8 सेकेंड लग जाएगा भाई 0 to 60। अगर बात करूँ इसका ऑन रोड प्राइस, तो 257 है ऑन रोड मिल जाएगा खलीलाबाद लखनऊ, खलीलाबाद उत्तर प्रदेश में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर भाई जो भी खलीलाबाद या फिर यूपी से हैं, सेम प्राइस आपको रहने वाला है। तो अगर वीडियो भाई पसंद आए तो उसको क्या करना, लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना इस तरह कंटेंट देखने के लिए।